तुम नहीं आता ना तो हम तुमसे बात भी नहीं करता कभी भी। अभी भी फीवर है, तुम विश्वास नहीं करेगा, तो भी तुमसे मिलने आया। चलो अभी तुम करके आपसे भी मिल के अच्छा लगा। कल भैया बोल के क्या ना आएगा, आज तो याद करके आ गया भैया ने। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर, आज अपन थोड़ा सा इधर उधर घूमेंगे, देन एक मेमोरी कार्ड भी लेना है हमें। तो आज संडे है, कल जो है तीसरा सोमवार है। थोड़ा सा इधर घूमेंगे और देखेंगे कि इधर का क्या माहौल है, बोलबम का कितना क्राउड होता है। हमारे उधर तो भाई शिवधाम में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो इधर देखेंगे किस तरह का क्राउड है। एंड अपना एक फ्रेंड है मालीगांव में, तो उसका तबीयत ख़राब है, वही आने वाला था हमसे मिलने के लिए, तो उसका तबीयत ख़राब है, तो मैंने बोला कि मैं ही आ रहा हूँ। तब तक ज्योतिष भाई भी अपना सारा काम निपटा कर वापस से हमारे साथ आ जाएंगे। तो आज हमने बहुत जगह घूमा, वो भी अपने साइकिल से, और काफ़ी मज़ा आया। भाई अपना साइकिल को लेके चल रहा है, भाई भाई कब से कॉल कर रहा था, तो भाई को मैंने बोला कि भाई रुको आ रहा हूँ। देखा कि भाई साइकिलिंग से आया है बंदा, और केदारनाथ से भी क्या एक चाहता तो केदारनाथ से वापस जा सकता था, तुमसे क्या भाई ट्रेन से जा सकता था, बट इसने अपना मतलब बॉडी फिट कर लिया। नहीं मज़ा आ गया साइकिल जाके ना, मतलब मज़ा आ गया, और इससे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। सच में कीप गोइंग, कीप गोइंग। अरे भैया थैंक यू थैंक यू। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं, अभी मालीगांव जाना है। ठीक है भैया, बाय बाय। मैंने तो सोचा नहीं था कि गुवाहाटी में भी अपना फैंस है। तो गाइस ये है नाइट व्यू। आपसे भी मिल के अच्छा लगा, कल भैया बोल के क्या ना आएगा, आज तो याद करके आ गया भैया ने। चलिए भैया मिलते हैं। कल अपन जब यहाँ पर गुवाहाटी पहुँचे थे, जब मैंने स्टेटस डाला था, तो ये बोले कि आ जाओ हमारे घर पे ही नाश्ता कर लेना। तो मैंने बोला नहीं अभी तो नहीं, यही आने वाले थे, लेकिन इनका क्या हुआ ना, फीवर हो गया था। अभी भी फीवर है, तुम विश्वास नहीं करेगा, तो भी तुमसे मिलने आया। चलो अभी तुम तो अभी इसका घर जाऊँगा। तब से रुका है मेरा साथ, बोल रहे कि हम भी मिलेगा हम भी मिलेगा। हम बोला ठीक है मिल लो चलो। हेलो हाय। फाइनली अपन आ चुके हैं रानी के घर पे। सभी लोग चौंक रहे हैं कि मैं वीडियो में देख रहा था, आप लोगों को रियलिटी में देखकर कैसा लग रहा है? शौक थे हम लोग 6800 किलोमीटर साइकिल से। नहीं हम लोग टीवी में देख रहे थे, अभी तो फिलहाल सामने से देख रहे हैं ना। अच्छा आप मतलब टीवी में देख रहे थे कनेक्ट करके? हाँ। अच्छा आपको टीवी में देख रहे थे? न्यूज में नहीं आया था तुम? हाँ तो फेसबुक में भी देखा, न्यूज में भी देख रहा है। मेरा भैया नहीं है, भैया मेरा मिस कर दिया तुमको, भैया ड्यूटी गए हैं। हमको मालूम नहीं था राजरानी के दोस्त है, पहले हम आपको देख रहा था, तो अभी राजरानी जाके बोले ये मेरा दोस्त है। अच्छा हम बोला जी मेरा दोस्त है। तो अभी हमारे लिए इधर नाश्ता आया है। ठीक है बाय बाय। आंटी क्या आते आते भैया? तुम नहीं आता ना तो हम तुमसे बात भी नहीं करता कभी भी। दोस्ती छोड़ देता हम, तुम नहीं आता तो, अगर मेरा बात नहीं रखता तो। इतना दिन से हम तुमको बोला, जाने समय ही बोला था, तुम आना बोल के। तो गाइस रात का हो रहा है 8, और ट्रैफिक इतना है कि ना आगे नहीं जा पा रहा है, पूरा रास्ता जो है मैप में रेड हो रखा है। तो गाइस मालीगांव में फ्लाई ओवर बन रहा है, तो वहाँ पर ना इतना जाम लगा हुआ है भाई, 10 से 15 मिनट वहीं पर लग गया हमारा। नाइट राइड करने में यही तो मज़ा है, रास्ता पूरा खाली मिलता है। आज हमने काफ़ी जगह को कवर करा, वो भी एक दिनों में। कमख्या गए, देन उसके बाद भैया ने एक छोटा सा पार्टी रखा था आशीष भैया ने, उसको भी हमने कवर करा। अगर आपने हमारा पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर से देखना, उसमें आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा।